हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नया टॉपिक लाया हूँ, सब्ट्रैक्टर। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था एडर। एडर में हम क्या करते थे, दो बिट को ऐड करते थे, कोई दो बाइनरी नंबर को ऐड करते थे और उसमें हमें कैरी मिलते थे। और मैंने जैसे बताया था कि हमारे एडर में भी दो टाइप के थे, एक फुल एडर एक हाफ एडर। तो अगर आपने मेरी एडर की वीडियो नहीं देखी है, उसमें हम हाफ एडर और फुल एडर कैसे निकालते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सब्ट्रैक्टर क्या है और ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारे दो होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर जो हमारा इंफॉर्मेशन को आधा मतलब हाफ वर्क कर सकता है, और फुल सब्ट्रैक्टर में हम पूरे कंप्लीट तरह से इंफॉर्मेशन को ले और दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा एडर में कैरी था, हमारे सब्ट्रैक्टर में हम बोरो लेते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 956, ये हमारा 956 से हम 273, इसे हमें सब्ट्रैक्शन करने सब्ट्रैक्टर हमें इसे सब्ट्रैक्टर करने। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 माइनस 3 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ 5 है या 7 है, तो 5 से 7 हमारा माइनस हो नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, बोरो। यहाँ से हम एक लेंगे तो यह हमारा क्या, 1 लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाता है, 15। तो 7 से 15 को हम माइनस करेंगे 8। अब हमारा यहाँ क्या बचा, ये जो पोर्शन है या हमें क्या बचेगा, या हम चाहे से 8 मान सकते हैं या 1 इसमें ऐड करके, या इसे हम 3 मान सकते हैं। बेसिकली जो हम मानते हैं वो इसे हम 8 मानते हैं, इसे हम 2 ही मानते हैं। 2 माइनस होगा 683। तो हमारे में क्या है, इसमें जो 5 और 7 है इसमें हमने क्या लिया, बोरो लिया। इसमें हमने एक बोरो लिया और इसमें क्या होता है, हमारा 5 और 7 में इसमें हमने इंफॉर्मेशन पास की है, इंफॉर्मेशन पास की। लेकिन इसमें हमारे में हाफ एडर में इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते हम। इसमें हमारा क्या होता है, 9/2 में हमारा इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसे हम यूज करते हैं। तो हाफ एडर में हम इंफॉर्मेशन पास तो कर देते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम फुल सब्ट्रैक्टर में हम इंफॉर्मेशन पास भी करते हैं और इंफॉर्मेशन यूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम फुल सब्ट्रैक्टर में पूरी अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में अलग से पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा और पूरी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।